मैं यही कहना चाहूंगी, ये जिसने भी किया है वो एक्चुअल जो इन कामों के पीछे उनको सजा मिले, ये ना हो कि किसी और को स्केपगोट की तरह यूज करके उनको सजा मिल जाए। जो चीजें आ रही है सामने, ये जो पिक्चर्स आ रही है, ये मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं है, सिर्फ एक इंसान को आगे लाकर पूरा मामला को रफा दफा करने की जो कोशिश की जा रही है ये सरासर नाइंसाफी है। देश इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरा एक गैंग रेप है। गैंग रेप को एक इंसान का रेप बताकर खत्म करना ही, दिस इज नॉट गुड, ये चीज ठीक नहीं है। हम सारे लोग सारी चीजें जानते हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे जब तक सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। यह 9 अगस्त की रात जो एक घटना घटी है कोलकाता में, एक ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ जिस तरह से रेप की घटना हुई है उससे पूरे देश में उबाल है। और आज NSUI ने एक विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च आयोजित किया है और रेपिस्टों को फांसी देने की बात जो है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वरुण चौधरी जो कि NSUI प्रेसिडेंट हैं, फांसी देने की बात कर रहे हैं और पूरे देश में इसको लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो है स्ट्राइक की बात कही है और पूरे देश में कई मेडिकल कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और वी वांट जस्टिस RG मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दो, जैसा कि आप प्ले कार्ड में हमारे कैमरामैन की नज़र से देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आज कैंडल जला के और बलात्कारियों को फांसी देने की मांग, साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलें कि ठीक जो है एक घटना बिहार में भी हुई है जो मुजफ्फरपुर में हुई है, एक दलित लड़की के साथ वहाँ भी लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके स्तन तक काट दिए। और उसके पहले 9 अगस्त को जो है इससे पूरे देश में ट्रेनी महिला को जिस तरह से एक वहाँ के सिविल सर्विस सर्वेंट ने जो वहाँ काम करता था उसने वहाँ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या हुई है, इसको लेके पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। हालांकि ये मामला अब CBI को दे दिया गया है, लेकिन जो महिलाओं के प्रति जो एक तरह से अपराध है देश में घट नहीं रहा है, लगातार जो है बलात्कार की घटनाएं किसी न किसी राज्य में आती रहती हैं। आज़ादी के 78 साल भी आज हो चुके हैं लेकिन अभी भी महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ जो है वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और धीरे धीरे ये कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलने की सोच रहे हैं और सामने पुलिस ने इन्हें घेर रखा है अपने बैरिकेड के थ्रू। तो वी वांट जस्टिस के नारों के साथ कि महिलाओं को न्याय दो जो ये रेप घटना हुई है, पूरे देश में इसको लेके विरोध प्रदर्शन। और हम अभी यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे। तो आज जिस तरह की हमने देखा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो है स्ट्राइक किया था और देश के हर मेडिकल कॉलेज में जो है इसको लेके एक बहुत जो है रोष है। हम देख रहे हैं कि आप प्ले कार्ड में देख सकते हैं वी वांट जस्टिस, आप साफ साफ नारों में देखिए कि किस प्रकार से जो है NSUI वरुण चौधरी और उनके साथ जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के जो सदस्य हैं आज वी वांट जस्टिस के नारों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और पुलिस ने यहाँ बैरिकेड लगा रखा है और पूरे देश में इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा उबाल है कि आज भी जो महिलाएं हैं जिस तरह से उस लड़की की निर्मम हत्या हुई है, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई है, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और अब हम धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, निर्मम हत्या हुई और रेप की जो घटना हुई 9 अगस्त को, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, ये जिसने भी किया है वो एक्चुअल जो इन कामों के पीछे उनको सजा मिले, ये ना हो कि किसी और को स्केपगोट की तरह यूज करके उनको सजा मिल जाए। लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार जो घर वाले कह रहे हैं लड़की घर के सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि मामला अब CBI को दे दिया गया, उसके अंदर डर है, सबूत तो पक्का ही मिटाया गया है, वरना हजार गुंडे कैसे वहां पर आ जाएंगे? और हजार गुंडे का आने का मतलब ही यही है कि सबूत को मिटाया जाए। पर ऐसा क्यों हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार में, ऐसा क्यों कैसे हो गया जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ? एक रेप हो रखा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब स्ट्राइक पर है और उसके बावजूद 100 गुंडे आके RG कर मेडिकल कॉलेज में अटैक कर रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ ममता बनर्जी के लिए,
ममता बनर्जी कैसे हो रहा है, आप बाहर आइए और सबसे पहले देश की डॉक्टर से तमाम महिलाओं से माफी मांगिए। राज्य सरकार लेकिन जब कांग्रेस के साथी राज्यों में ऐसी घटना देखने को मिलती है तो पता लगता है हमारी जहाँ सरकार है वहाँ प्रोटेस्ट करते हो लोगों पर लाठियां बरसाने गुंडे नहीं आते। जिस तरीके से बंगाल के अंदर गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और डॉक्टर मारपीट करिए तो पता लगता है। सर जिस तरह से डॉक्टर को भगवान माना जाता है इस देश में उस डॉक्टर के साथ आधी रात में सर बलात्कार होता है, क्या कहेंगे सर? मेरा कहना यही है ममता बनर्जी थोड़ी ममता लाएं, और जिस तरीके से ये बंगाल में इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से सरकार ने अपना रवैया दिखाया गुंडों के साथ, ममता बनर्जी आगे खड़ी है। सबसे पहले ममता जी को देश के डॉक्टरों से महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और इस मुद्दे को वो सेंसिटिव तरीके से इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और खास तौर पर मैं हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि ममता बनर्जी को उनसे माफी मांगे, और जो उनकी वाजिब डिमांड है कि इमीडिएटली एक लॉ बनना चाहिए, एक सख्त कानून बनना चाहिए जिससे लोग हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर के साथ कोई भी घटना करने पहले 100 बार सोचे। चलो बिहार में भी सर ऐसी घटना होती है दलित महिला के साथ और उसके स्तन तक काटे जाते हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा मानना है देश भर में जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ ये दर्दनाक घटना हो रही है, कुछ ना कुछ सोसाइटी में हमें करना पड़ेगा। और खास तौर पर जब ऐसी घटना होती है वो घटना के बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर हमला होता है तो ये और बहुत दर्दनाक है, बहुत शेमफुल चीज है। इसलिए बोलना चाहूंगा कि ममता बनर्जी आप होम मिनिस्टर भी हैं बंगाल की, तो आप तुरंत शर्म करिए, तमाम डॉक्टर से माफी मांगिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए। मैम क्या कहना चाहेंगी आप खुद एक महिला हैं, जब ऐसी खबरें सुनती हैं कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, क्या कहेंगी? ऐसा एक पहली बात तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि एक हीनियस क्राइम है ये, जब भी ऐसी काइंड ऑफ इंसिडेंट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ क्या हम सेफ है? हाँ। और जो लोग हैं हमारे साथ, हमारे जो दोस्त है, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, क्या ये सेफ है? सबसे पहली तो बात ये है कि हम ये जो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब कोई डॉक्टर जो 36 आवर वो ड्यूटी कर रही है उसके बाद भी उसके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे फ्यूचर में क्या है? तो बस यही है कि कहाँ हम सेफ, कहाँ है हमारी सेफ्टी का है, और इसका ध्यान कौन रहे, कौन रखेगा? सरकार नहीं रख पा रही तो कौन रखेगा हमारा ध्यान? तो बात यह कि ये जो हुआ है इसका तो अभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और ऐसा आगे ना हो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैम क्या कहना चाहेंगी आप जब इस तरह की घटनाएं सुनती हैं कि एक महिला के साथ जो डॉक्टर है जो सक्षम है एक तरह से अब रात में ड्यूटी कर रही है और उसके साथ उसके कार्यस्थल पे ऐसा होता है? देखिए ये जो पूरी घटना हुई है मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये जिस तरीके से तकलीफ दे जो चीजें आ रही है सामने, ये जो पिक्चर्स आ रही है, ये मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं है, सिर्फ एक इंसान को आगे लाकर पूरा मामला को रफा दफा करने की जो कोशिश की जा रही है ये सरासर नाइंसाफी है। देश इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरा एक गैंग रेप है। गैंग रेप को एक इंसान का रेप बताकर खत्म करना ही, दिस इज नॉट गुड, ये चीज ठीक नहीं है। हम सारे लोग सारी चीजें जानते हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे जब तक सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्या कहेंगी जब देश में बलात्कारी घटनाएं आप सुनती हैं एक महिला को? देखिए बिल्किस बानू का मुद्दा हो गया, उन्नाव का हो गया, हाथरस का हो गया, जब देश के अंदर रेपिस्ट को अगर सख्त सजा नहीं दी जाएंगी इस तरीके से और भी बहुत सारी घटनाएं सामने आएंगी, इसीलिए सख्त कार्रवाई और सख्त कानून लागू करने चाहिए। तो हमने सुना यहाँ जो महिलाएं आई हुई हैं, एक तरफ जहाँ महिलाएं ओलंपिक में झंडा गाड़ रही हैं, लेकिन वहीं तरफ इस देश में आजादी के 78 साल बाद भी एक डॉक्टर के साथ गैंगरेप होता है और देश में आए दिन कहीं ना कहीं जो है बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर वो कितनी गंभीर है। आज यहाँ युवा जो है वी वांट जस्टिस और हत्यारों को फांसी दो के नारे के साथ यहाँ पे वो एक आसमान में नारे गूंज रही है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है NSUI के जो सदस्य हैं वो बैरिकेड पे चढ़ के हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए हैं और हत्यारों को फांसी दो, उनका साफ साफ कहना है कि सिर्फ ये एक आदमी ने नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं गैंग रेप है और रात में ये कैंडल मार्च निकाला है NSUI ने। इनका साफ साफ कहना है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसमें एक तरह से शुरुआत में वहाँ की पुलिस ने सबूत मिटाने का प्रयास किया,
लड़की के घर में जब पहली कॉल गई तो ये बताया गया कि लड़की ने सुसाइड किया है, लेकिन जब मामला धीरे धीरे खुलता है तो ये रेप का बनता है और उसकी निर्मम हत्या होती है। देश जो है लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन आज भी भारत देश में महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। हम देख रहे हैं कि कैंडल मार्च के साथ क्या न्याय की मांग जो है, न्याय जो है कहीं इन नारों के बीच में गायब हो जाता है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाती है, लेकिन न्याय मिलने में एक लड़की को कितना समय लग जाता है। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।